वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो तुम? कौन पूछ रहे हैं? तो आज है संडे 1 अक्टूबर। ओके, तो सुबह झाड़ू पोछा करके सब कुछ क्लीन करके हेयर वॉश किया है मैंने आज। ओके, और अब बज चुके हैं सुबह 11 और मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है मेरे डैडी का श्राद्ध। तो एक्चुअल ना डैडी का डेथ जो हुआ था ना September 27, तिथि के अनुसार ना आज आया है, मतलब 1 अक्टूबर। तो अभी उसी की तैयारियाँ करनी है। तो आज ना 5 साल हो चुके हैं मेरे डैडी को गुजर के, तो 5 साल हो चुके हैं। तो आज ना सब कुछ जो खाना है ना, जो जो डैडी को पसंद है ना, वही आज मैं बनाऊंगी। और थोड़े बहुत रेसिपी है ना मैं आज आपके साथ मैं क्विक में शेयर करूंगी। ओके, अगर नहीं तो ना वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो मैं क्विक में शेयर करूंगी। और आज डैडी को जो जो चीज़ें पसंद है ना सब वही बनेगा। डैडी को मूंग की करी, स्प्राउटेड मूंग की करी है ना, बहुत ही पसंद है, वो आज करी बनेगी। और मणगणे, उसकी भी रेसिपी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मणगणे की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। तो डैडी को ना साबूदाना खीर बहुत ही पसंद था, वो बनाऊंगी। और उड़द दाल के वड़े, वो तो उसका फेवरेट है डैडी का, तो वो आज बनेगी, उड़द दाल के वड़े। बाद में पकौड़े, कैप्सिकम और आलू के पकौड़े बनाऊंगी। और भाजी, घोसाड़े की भाजी बनेगी। डैडी को सब्जी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, भाजी भी जी कहला नहीं तो खाना था ऑलरेडी। और डैडी को ना सिर्फ एक ही भाजी पसंद था, वो है भिंडी, नहीं क्या भिंडी, वो ग्रीन लोकल भिंडी है ना, वो फेवरेट था। और शेपू नहीं, तो आज घोसाड़े की भाजी बनाएंगे, पापड़, पिकल, सब कुछ, वो सब कुछ रहेगा। ओके, तो फटाफट चलते हैं किचन में। पहले मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद मैं डैडी की पूजा करूंगी, फोटो की पूजा करके वो जो खाना है ना वो नैवेद्य करेंगे। और 2 पत्ते का नैवेद्य करते हैं, एक गाय को और एक कौवे को। ओके, बाद में हम लोग जाएंगे बाहर गाय को देने के लिए। ओके, तो अब फिलहाल टाइम हो चुका है तो मैं चलती हूँ किचन में फटाफट। तो फटाफट बनाते हैं सारी रेसिपीज और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले बनाते हैं भाजी, यानी तुरई की भाजी। तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई रखा है, अब इसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच तेल। तो इसमें डालते हैं मस्टर्ड सीड यानी सरसों। तो अब इसमें डालते हैं चिली चॉप किया हुआ, प्याज और साथ में टमाटर भी इसमें ऐड करते हैं। तो सभी चीज़ें ना हमें एक साथ ही डालना है। 1-2 मिनट के लिए ना हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। तो अब इसमें डालते हैं चना दाल। चना दाल को ना मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था, बस थोड़ा सा ही मैंने डाला है। अच्छे से इसे मिक्स करें 1-2 मिनट के लिए। तो अब इसमें डालते हैं तुरई, इसको ना मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अच्छे से इसे मिक्स करें। और अब इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ कोकोनट, और इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से इसे मिक्स करें। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा ही पानी, बढ़िया से इसे मिक्स करें। और ढककर ना 5 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है। 5 मिनट के बाद अब इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालना ना ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करें और कुक करें। और साइड पे ही ना मैंने यहाँ पे मणगणे रखा है, चना दाल और साबूदाना को कुक करने के लिए रख दिया है। वैसे ना हमारा कुकर जो है ना ख़राब हुआ है, तो बर्तन में इसको रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए भाजी हमारी रेडी है। तो अब बनाते हैं स्प्राउट मूंग की करी। तो यहाँ पे देखिए मूंग को ना अच्छे से स्प्राउट आ गया है, इसे हमें अच्छे से वॉश करना है और जिसके छिलके हैं ना हमें निकाल देना है। तो अब बनाते हैं मसाला। तो मसाले के लिए ना 1 नारियल को ग्रेट कर लिया है, सूखी लाल मिर्च ली है, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ धनिया, थोड़ी सी भुनी हुई मेथी, थोड़ी सी भुना हुआ मस्टर्ड सीड्स यानी राई, और आधा प्याज को लंबाई में कट कर लिया है, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब इन सारे चीज़ों को ना मिक्सी जार में डाल के हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो अब एक बर्तन में डालते हैं पानी, और पानी को ना हल्का सा गर्म करते हैं। जब ये पानी जो है गर्म हो जाएगा ना, तब इसमें हम डालते हैं स्प्राउट किया हुआ मूंग, और साथ में 1 प्याज और 2 टमाटर, दोनों चीज़ें ना साथ में इसमें डाल देते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करें, और हमें मूंग को है ना कुक करना है, उबाल लाना है। जब ये अच्छे से उबाल आ जाएगा तब इसमें हम डालते हैं नमक स्वादानुसार, अच्छे से मिक्स करें, और 1-2 मिनट के लिए हमें इसे फिर से कुक करना है। 2 मिनट के बाद हम इसमें डालते हैं मसाला पेस्ट इसमें हम डाल देते हैं। और पानी डाल के ना जितना ग्रेवी आपको पतला या गाढ़ा चाहिए ना, उस हिसाब से आप पानी डालें, ये परफेक्ट है। तो अब इसके ऊपर डालते हैं कड़ी पत्ता, और अभी इसे ना एक बढ़िया सा उबाल आता है। जब इसे अच्छे से उबाल आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारी करी जो है ना बनके रेडी है। तो फाइनली इसके ऊपर डालते हैं चॉप किया हुआ धनिया। तो यहाँ पे स्प्राउट मूंग की करी रेडी है। तो अब बनाते हैं उड़द दाल के वड़े। उड़द दाल को ना रात को भिगो के रख दिया था 1-2 कप के, और सुबह ना इसको पीस लिया है। और पानी का इस्तेमाल ना बहुत ही कम करना है हमें, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें पीसते वक्त।
ओके तो अब इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार और अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना कुछ चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है। ओके तो यहाँ पे देखिए कोकोनट को क्यूब्स में कट कर लिया है, धनिया, अदरक, चिली और करी पत्ता। अब इन सारे चीज़ों को ना इसमें हमें डाल देना है और इन सारे चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद ना हमारा जो उड़द दाल के जो बैटर है ना रेडी है। अब इसे हम फ्राई करते हैं। तेल को ना यहाँ पे अच्छे से गरम कर लिया है, गरम होने के बाद फ्लेम को लो किया है। ओके और ये थोड़े थोड़े करके बैटर को ना हम इसमें डाल देते हैं। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जब आप उड़द दाल के वड़े बनाओगे ना फ्लेम को मीडियम में रखें, हाई फ्लेम पे इसे फ्राई ना करें। क्या होगा बाहर जो है ना बढ़िया सा ब्राउन हो जाएंगे और अंदर जो है ना कच्चे रहेंगे। तो थोड़ा हमें आराम से इसे कुक करना है। ओके फ्लेम को ना मीडियम में रखें। ये देखिए उड़द दाल वड़े है ना बढ़िया सा फ्राई हुआ है यहाँ पे। इस तरह से हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये अब रेडी है, इसको निकाल लेते हैं। खाना सब कुछ रेडी है और मैंने ना यहाँ पे ये बनाए हैं भजी केला और कैप्सिकम और पोटैटो का पकौड़े बनाए, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पकौड़े बनाए हैं और मैं सब कुछ रेडी है। ओके पान दवल्ला, हाँ सर। ओके तो अब इसमें पान में सब कुछ चीज़ें रख देते हैं। मैंने मैं इवेंट है वो जल्दी आ गए। अभी जो दो ये पत्ते है ना खाना जो रखा है ना, अभी गाय को एक देना है और एक कौवे को कावड़े, तो आज वो मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बाहर ना बारिश हो रही है और आए सबके दुकान बिजी कावड़े और गाय। गाय आता ना पहला खो थे आसा खे एक आता कावड़े मेपे आसा। ओके तो मम्मी ने यहाँ पे सब कुछ पैक कर रही है। ओके जस्ट निकलते हैं, पहले वहाँ पे जाते हैं गाय को देते हैं, बाद में हम खाना खाएंगे। किधर है कपड़े? गन्ना चार इतने बड़े कपड़े आने के कपड़े डालू।
ओके तो अब जस्ट निकलते हैं। तो हम जस्ट निकल चुके हैं और अभी हम ढूंढ रहे हैं कावड़े का, कहीं पर नहीं है और बारिश हो रही है। गाय पहला खरी आ खो तो कावड़े मेपा तो मुश्किल तो कावड़े सर कबूतर दिता वही कावड़े का ना जब चाहिए होता ना ये दो क्रो और ये गाय नहीं मिलते हैं। बाकी टाइम अशे रस्त्यार बसले असता गैंग करून आज कोण ना गाड़ी येता यहाँ पे ना बहुत सारे कौवे हैं तो यहाँ पे रख देते हैं। तो वहाँ पे ना बहुत सारे कौवे हैं और यहाँ पे रख दिया है दरिल गए चलियो थे उसमें पोए थे उसमें रावे आमी आमी अगर हमको हम लोग यहाँ पे खड़े होंगे अगर हम लोग यहाँ पे खड़े होंगे ना वो लोग आएंगे नहीं तो हम लोग आगे जाते हैं आगे जाके रुक के देखते हैं। कौवा आ गया तो एक काम हो गया हमारा कावड़ वेले कावड़ फर्स्ट कावड़ी वड़े वेले डैडी नी वड़े खूब लाइक उड़दे वड़े सेकंड कावड़ो ये भजी वेले तो वो एक काम हो गया टेंशन वो एक बड़ा टेंशन है मुझे। आओ कितना है ले बोल का तो अभी गाय को देते हैं अब देखते हैं आगे गाय असले गाय के दिया पूरा परवरे चक्कर मारा गाय ना तो आते वक्त ना ऋतिक अपने देखा था गाय को वो अब वहाँ पे नहीं है तो गायब चलो दोन असले एक बैल गाय बैल आ गाय ना गाय का गेलो अभी देखते है और बारिश हो रही है ना इसके लिए वो लोग ना जगह पे बैठते नहीं है कदा पो जाते सत्ता पूरा परवरी राउंड मार लिया मैंने। तो अब हम पहुंच गए तोड्डा उदिक पे कितने बल्ला कंटिन्यूस बारिश हो रही है ना यहाँ पे दिखे ग्रीनरी तो अब हम पहुंचे तोड्डा गाय खो इतना तो यहाँ पे ना एक गाय मिल गई है आगा तो बिकी बी कि वहाँ पे एक है ना वो देख रहा है यस सब जगह ढूंढ ढूंढ के ना फाइनली मिल गया चल दाले का सगळे फिरून 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 आठ किलोमीटर नहीं आठ किलोमीटर तो आम्ही तो हम लोग ना किटला तोड्डा वहां सब जगह पे देखा तो यहाँ पे सुकुर में मिला हमें गैंग 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 गाइस तीन चार फाटले तीन चार ओके तो हो गया अब जस्ट निकलते है घर जरूर की भूख लगी है भूख लाला ऑफ कोर्स नहीं चल पावले बोन बोन नहीं बोन 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 नहीं तकली अशा ला मुझे घूता दौड़े ओके वो किधर है पोए पोए एने किधर गला पोए शीतल ने घातला मणगणे किधर है अरे मुगाची कड़ी केला भाजी वाड़ू ये वाड़ू भजी भजी आणि वडे वाड वाड़ी जोरो की भूक लगी है फ्रेंड्स फुल परवरी बोन 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 फ्रेंड्स क्या रे ओ पोय एकदम बोन गाऊ सकता शीतान मणगणे घातला पोय और मणगणे बहुत टेस्टी बनी है ऑलरेडी मैंने रेसिपी शेयर किया है इसके लिए ना मैंने आज कुछ भी डिटेल नहीं बताया आप लोगों को खूब भूख लगा तो खाना खाते हैं थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और बारिश देखिए सुबह से बारिश हो रही है बहुत ही अच्छा आ रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है बरे बा सकाळच्या रातचं बरं पडलं वाढलं आता मासे बारीक झाला बारीक सकाळच्या बारीकच पडता तू आणि खरं वर चढला आणि वर चढ बस रंगा हो आणि एक तुम्ही नाका बस बस चल हा वैता किचनात ओके तो जस हमारा खाना हो चुका है ओके अब बच चुके चार तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ ऋतु की पढ़ाई लेने के लिए ये देखिए है मन अभ्यास मंडली की बात आते का कर ओके तो जिससे हम लोग गए थे ना सार्वजनिक गणपति देखने परवरी में तो लॉटरी टिकट निकाला था और इसने बोला था पानी का बॉटल लगना चाहिए तो पानी का बॉटल नहीं कुछ भी नहीं लगा मैं
तो यहाँ पे नंबर है 1700, हमारा नंबर है ये डॉटर नंबर 1700 एंड थोड़ा लागला 1400। देखिए काय नाही लॉटरी बिटरी पैसे वेस्ट। तो और तीन तिकीट है, जब वास्को सत्ता गए थे ना तो इस मंथ है, अक्टूबर में है, देखते ओके। तो चलिए गाइस, आज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय। आइता बाय। हाँ चल, अभ्यास करता मरे। उपास अभ्यास कर मटो का, जो जो उपास आऊँ ना मैं उपास कर। इसको ना एक बोलो ना वो चार बोलता है ओके। तो चलिए बाय।